ऋषि, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जन्म मंडी में हुआ और पहाड़ी इलाके में आपने अपनी क्रिकेट शुरू की। कितना मुश्किल, या ऐसा कहेंगे कितना आसान था आपके लिए एक मुश्किल कंडीशन में क्रिकेट का शौक पालना? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल था वहाँ पे। क्रिकेट वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्रिकेट की गेम को, और मैं भी बचपन से ही क्रिकेट खेलता हूँ। तो हम भी अपने स्कूल के घर के पास एक स्कूल का ग्राउंड होता था, वहाँ पे खेलता था मैं, तो काफ़ी दोस्त खेलते थे हम। तो धीरे धीरे शौक बढ़ता रहा और खेलता चला गया हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, आप बैट्समैन बनना चाहते थे। मैं बैट्समैन ही था शुरू से। मैंने जूनियर क्रिकेट में ओपनिंग बैटिंग की है, 16, 15, 17, 19 ओपनिंग बैटिंग, एज ए ओपनिंग बैट्समैन खेला। तो बॉलिंग भी मैं साथ साथ करता था, पर इतनी नहीं करता था, एज ए प्योर बॉलर नहीं करता था, ऐसे ही अपने 7-8 ओवर करता था, 10 ओवर करता था। तो धीरे धीरे फिर अब रणजी ट्रॉफी में आ गए तो बॉलिंग भी ज़्यादा करने लगा और फिर ऑलराउंडर बन गया। और ऑलराउंडर्स की हमें हमेशा एक तरह से कमी रही है। तो बिहार कूच ट्रॉफी में आपने मेरे ख्याल से कुछ 350 के रन आसपास बनाए थे। 340 बनाए। उन दिनों भी आप बैटिंग पे कंसंट्रेट कर रहे थे या धीरे धीरे बॉलिंग की तरफ भी आपका ध्यान जूनियर गया था? क्रिकेट में तो मैं एज अ प्योर बैट्समैन ही खेला, तो मैं ओपन ही करता था वहाँ पे, तो उस इनिंग में मैंने ओपन ही की थी। जब बैटिंग की आपने ठानी, तो कभी ये सोचा था कि कल को आप एक बैटिंग ऑलराउंडर कहलाना चाहेंगे या एक बॉलिंग ऑलराउंडर कहलाना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी अपने आप को पहले बैट्समैन ही मानता हूँ, उसके बाद बॉलर मानता हूँ, क्योंकि मेरे को बैटिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे ही बस रणजी ट्रॉफी जब से मैं खेलना शुरू किया, तो थोड़े वहाँ पे विकेट्स भी ऐसे थे, धर्मशाला में हम खेलते हैं, और थोड़ा ऐसा जब मैं एंट्री हुई मैं रणजी ट्रॉफी में, तो थोड़ा ऐसा माहौल ऐसा था वहाँ पे कि बैटिंग मेरी बहुत नीचे आती थी, जैसे 7-8 नंबर पे आती थी। तो फिर उस मेरे को साथ साथ बॉलिंग में भी थोड़ा करना पड़ता था, तो फिर मैं धीरे धीरे बॉलिंग भी अच्छी करता रहा और बैटिंग में भी धीरे धीरे रन बना रहा था। तो फिर दोनों चीज़ें लेवल हो गई और दोनों में मैं प्योर मतलब ऑलराउंडर बन गया हूँ। ऋषि, ऐसे काफ़ी खिलाड़ी हैं आजकल इंडियन टीम में, आईपीएल टीम्स में, रणजी टीम्स में भी, जिन्होंने अपनी शुरुआत मतलब एक छोटे पायदान से की, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए वो, और बड़े शहरों से भी नहीं आए वो, पर फिर भी आज उन्होंने वो एक 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 ओहदा, एक महारत हासिल कर रही है क्रिकेट में, जिसकी वजह से उनको सब जानते हैं। क्या आप भी अपने आप को उसी लीग में पाते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बहुत बड़ा शहर नहीं है, और हिमाचल स्टेट में कितनी फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी, जो मतलब अब तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई हमारे पास। धर्मशाला का स्टेडियम है, बिलासपुर में अच्छा ग्राउंड है, नादौन में अच्छा ग्राउंड है, तो अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ के लड़के अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, जूनियर क्रिकेटर्स काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। तो उस टाइम पर जब मैंने शुरू किया था, खासकर मंडी के सेंटर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो काफ़ी मुश्किल था उस टाइम प्रैक्टिस करना वहाँ पर, मतलब उन्हीं फैसिलिटीज़ में अपने आप को, मतलब जितना जितना वहाँ पे फैसिलिटी थी उस हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस वहाँ पे मिलना और करना वहाँ पे काफ़ी मुश्किल था। तो अभी ठीक है, अभी वहाँ पे अच्छा है, तो मतलब काफ़ी अच्छा चला हुआ है अभी फ़िलहाल। मतलब अकेडमी, HPCA ने काफ़ी अकेडमीज़ खोल दी हैं हिमाचल में, तो बच्चे अब प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं वहाँ पर। रणजी के बाद आपको सबसे ज़्यादा जो रिकग्निशन मिला ऋषि, वो IPL में मिला। आपने पहला सीज़न 2013 में मुंबई के लिए खेला, तब आपकी भेंट सचिन तेंदुलकर, कुंबले, रिकी पॉन्टिंग, जॉन्टी रोड्स, कुछ ऐसे खिलाड़ियों से हुई। क्या सीखा आपने उनसे, या क्या भूल गए आप उनसे मिलके? नहीं, काफ़ी मतलब एक बूस्ट मिलता है, पहले तो आप इतने बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलते हो तो काफ़ी बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस आपको अलग हो जाता है आपका। साथ में आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हो, नेट प्रैक्टिस करते हो, तो काफ़ी कुछ मतलब उनको अगर कुछ लगे कि इसमें कुछ कमी है या कुछ मतलब अच्छा कर रहा, तो वो बातचीत करते रहते हैं, तो वही उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी मिलता है, और मतलब जो भी वो चीज़ बताते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। तो जितना भी टाइम मैं उनके साथ रहा, 2 महीने IPL में, 1 महीना चैंपियंस लीग में, तो काफ़ी मैं कुछ मैं सीखा उनसे, और मतलब काफ़ी कुछ गेन किया मैंने उन 2-3 महीनों में। 2013 में मुंबई ने टाइटल भी जीता, उसके अगले साल आपने पंजाब के लिए एक तरह से अपनी इनिंग्स नई शुरू की। कैसा लगा कि आप एक चैंपियन टीम का हिस्सा पहले थे, और दूसरे साल जब आपने IPL खेला तब भी आप एक ऐसी टीम के साथ जुड़े रहे जो फाइनल मुकाबला तो नहीं जीत पाई, पर थ्रू आउट अच्छा प्रदर्शन करती रही। आपकी क्रिकेट में कितना बदलाव, कितना फ़र्क आया इस वजह से? देखो, कोई भी क्रिकेट मैच खेलता है, कुछ भी खेलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर वो मैच जीत जाए। परफॉर्मेंस पे इतना मज़ा नहीं आता, पर अगर टीम जीत जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुंबई के साथ जब मैं खेला और हम फाइनल जीते,
आईपीएल भी जीते और चैंपियंस लीग भी जीते, तो काफ़ी वो अलग ही माहौल था, अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि आप विनिंग टीम में हो और इतना बड़ा टूर्नामेंट आप जीतते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता। और सचिन तेंदुलकर का आखिरी आईपीएल था वो, उनका आखिरी आईपीएल भी था और आखिरी चैंपियंस लीग भी थी, तो काफ़ी हमने इन्जॉय किया वो मोमेंट, काफ़ी अच्छा लगा हमको जीत के। वो अगले साल आप गए किंग्स इलेवन, किंग्स इलेवन की भी हमारी काफ़ी अच्छी साइड थी, काफ़ी बैलेंस साइड, उन्होंने काफ़ी अच्छी ऑक्शन हुई इस साल किंग्स इलेवन की और काफ़ी बैलेंस साइड थी, तो हमें पूरी होप थी कि हम इस साल भी अच्छा करेंगे और टीम ने वो पूरी आईपीएल थ्रू आउट द आईपीएल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छा खेले और मैचेस लगातार जीतते रहे, थोड़ा फाइनल में मिस कर गए हम, पर कोई नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे। जब भी हम पंजाब की बात करते हैं, 2014 का जो सीज़न था आईपीएल का, तो मैक्सवेल और मिलर दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक तरह से अपना दबदबा थ्रू आउट द टूर्नामेंट बनाए रखा। आपने उन्हें नेट्स में बोल डाली थी, कितना मुश्किल है कितना आसान होता था? नेट्स में तो प्रैक्टिस ही करते हैं अपने, तो मतलब कोई शॉट्स नया ट्राई कर लिया या कुछ कर लिया वैसे ही खेलते हैं, तो ठीक है, उनको थोड़ा प्रेशर तो रहता है कि मतलब वो मारेंगे या मतलब कुछ अलग ट्राई करेंगे, तो मज़ा भी आता है उनमें, थोड़ा बहुत बातचीत भी करते रहते हैं हम, मज़ा भी आता है उनके साथ कम्पीट करके, तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए ऋषि, बात करते हैं कि भारतीय खेमे में हमेशा से एक अच्छे ऑलराउंडर की किल्लत रही है, कमी रही है। कपिल देव जैसा एक ऑलराउंडर अभी भी भारतीय टीम फैंस खासकर खोज रहे हैं पर मिलता नहीं है। उनके थोड़ा जो करीब आए वो थे इरफान पठान। आप एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, क्या आपको इस बात पे भरोसा है कि कल को ये जो वॉइड है, ये जो गैप है, ये जो कमी है, आप जैसा एक खिलाड़ी पूरी कर सकता है, जो जो जिसकी हमें कब से तलाश है? ये कॉन्फिडेंस तो मेरे को है कि अगर मेरे को मतलब अगर मैं खेलूं अच्छे लेवल पे, और अभी तक मैं फिलहाल फर्स्ट क्लास में भी जो मैं खेल रहा हूं अच्छा परफॉर्म कर ही रहा हूं, तो मैं कॉन्फिडेंस तो मेरे को है कि नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। बाकी तो डिपेंड करता है कि कैसे चल रहा है, अभी इस सीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इस सीज़न मैं कोशिश करूंगा कि अपना जो मैंने लास्ट थ्री फोर सीजन में परफॉर्म किया मैं इसमें बेटर परफॉर्म करूँ और ज़्यादा मतलब मैच्योरिटी दिखाऊँ। आपको क्या अच्छा लगता है जब आपको लोग एक बैटिंग ऑलराउंडर बुलाते हैं या बोलिंग ऑलराउंडर बुलाते हैं? मेरे को मतलब आप क्या पसंद करते हैं? मैं तो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा अपने आप को पसंद करता हूँ, पर ये तो मैच मैच बाय मैच चलता है, अगर मैंने बैटिंग में अच्छा किया हो तो मैं अपने आप को बैटिंग ऑलराउंडर मान लेता हूँ, बॉलिंग में अच्छा किया हो तो बॉलिंग ऑलराउंडर मान लेता हूँ। तो रोज़ चेंज होता रहता है, रोज़ चेंज होता रहता। हिमाचल से अभी तक कोई खिलाड़ी भारत के लिए नहीं खेला है, रिप्रेजेंट नहीं किया है उसने, ये एक सपना साकार करना आपके लिए कितना ज़रूरी है? मेरे लिए काफ़ी, हफीज रसूल ने अपनी स्टेट के लिए किया है जी, बिल्कुल। उसके बाद आपको भी आई एम श्योर काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। बड़ी बात होगी है मेरे लिए अगर मैं हिमाचल से पहला क्रिकेटर बनूं जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करूं, और काफ़ी लोगों ने भी काफ़ी उम्मीद लगाई हुई है मेरे से कि नहीं मतलब मैं अच्छा परफॉर्म अभी कर रहा हूं और उन्होंने काफ़ी उम्मीद लगाई है कि जल्दी मैं इंडियन टीम में आऊंगा और हिमाचल का नाम और रोशन करूंगा, तो कोशिश मेरी यही है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना अच्छी परफॉर्मेंस लगातार देता रहूं और जल्दी से जल्दी जगह बनूं। आपने 125-130 तक की स्पीड तो डाली हुई है, आप उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि आगे को और मतलब इम्प्रूवमेंट करूँ और थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ अपनी और इम्प्रूवमेंट करूँ अपनी पेस में। एक ऑलराउंडर की फिटनेस एक बैट्समैन और एक बॉलर से अलग होती है, क्योंकि आप दोनों काम अच्छे से करने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या उतना ही हार्डवर्क करना पड़ता है या फिर आपका भी एक रेगुलर रूटीन है जो किसी भी खिलाड़ी का है? नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप 100% बॉलिंग में एफर्ट कर रहे हो, उसके बाद 100% बैटिंग में एफर्ट कर रहे हो, तो आपके पास रिकवरी पीरियड कम है। अगर आप एक दिन बॉलिंग कर रहे हो दूसरे दिन बैटिंग कर रहे हो तो रिकवरी पीरियड आपके पास कम है, तो एक्स्ट्रा फिटनेस तो आपको थोड़ी करनी पड़ती है, स्ट्रेंथ आपको काफ़ी चाहिए और मेन चीज़ तो मेंटली है। मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो, आप सोचते हो कि नहीं करना है तो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं आती। ऋषि, हमेशा से एक ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि जो क्रिकेट है वो बैट्समैन के फेवर में ज़्यादा बैलेंस्ड है और बॉलर्स के पास कम हथियार हैं अपना दबदबा साबित करने के लिए। हाल ही में एक त्रासदी भी हुई, फिल ह्यूज बैटिंग करते हुए उनका देहांत हो गया और बाउंसर्स को ख़त्म करने की भी रिकमेंडेशन दी गई थी। आप एक ऐसे पड़ाव पे हो, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बॉलिंग और बैटिंग दोनों की सेंसिटिविटी और इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझते हो, आपका क्या नज़रिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है एक्चुअली। देखो, जब गेम है इसमें मतलब
कई बार एक दो बार पहले भी हो चुका है कि आप फील्डिंग करते हुए बॉल लग जाती है और काफ़ी गहरी चोट आ जाती है, तो इसमें अब ये नहीं हो सकता कि आप इस फील्डिंग पोजीशन को आप वो कर दो कि इस फील्डिंग पोजीशन में प्लेयर नहीं रहेगा। अब ये है कि ट्रेजेडी हुई है, काफ़ी अफसोस भी हुआ है कि मतलब फिल ह्यूज़ जो काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे उनका देहांत हो गया, पर ऐसा नहीं है कि बाउंसर्स को बैन कर देना चाहिए, पर जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़े बेटर होने चाहिए। हेलमेट खास जी, इक्विपमेंट्स थोड़े बेटर होने चाहिए जहाँ पे मतलब जिसकी वजह से थोड़ा, और बैट्समैन को भी अपने इक्विपमेंट्स पूरे होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मतलब कैप के साथ बैटिंग करें या आम गार्डनर डाला हो, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा और गौर कर सकते हैं। बाकी ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्या बाउंसर्स बैन कर दो और बॉलर्स बेचारे बिल्कुल ही रह जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई एम श्योर आपका भी सपना एक क्रिकेटर की तरह अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, भारत के लिए खेलना है, पर जिस लिहाज से अभी हमारी टीम लाइंड अप है, स्टॉक्ड अप है, आपको लगता है आपकी जगह है उसमें? पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे पास जो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग सॉर्टेड है, फास्ट बॉलिंग में खैर ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है हमें थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़े, पर स्पिनर इक्का दुक्का ही रहेंगे, आपको अपनी जगह कहाँ नज़र आती है? देखिए, किसी भी टीम में एक ऑलराउंडर की तो जगह होती है, पर अभी जिस पोजीशन में हमारी टीम है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सारे चैंपियनशिप भी जीत रहे हैं, लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि टीम चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इंडियन टीम जितनी जीतती रहे तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, मतलब इसमें उससे ज़्यादा मज़ा नहीं है इंडियन टीम अगर जीतती रहे लगातार। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करता रहूं और परफॉर्मेंस अपनी देता रहूं, रणजी ट्रॉफी हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे चैंपियंस लीग हो, कहीं भी हो, मेरे को परफॉर्मेंस मैं अच्छी देता रहूं, और जब भी सिलेक्टर्स को फील होगा कि नहीं मैं गुड इनफ हूं आगे परफॉर्म करने के लिए, तो चांस मिल ही जाएगा मेरे को ऐसी दफा। ऋषि, पिछले 5 सीजन से रणजी में आपका नाम टॉप 5 बॉलर्स में आ रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्या ये आपका एक मिशन था जो आप कंप्लीट होता नजर आ रहा है आपको? नहीं, जब आप सीज़न शुरू करते हो तो आप ऐसा नहीं सोचते कि मेरे को मतलब टॉप में आना है कुछ आना है, वो तो सीज़न के चलते चलते डिपेंड करता है कि 48 विकेट लिए आपने। जी बिल्कुल, मेरी नॉलेज है आप वही सीज़न के बीच में डिपेंड करता है, आप सीज़न जैसे जैसा आपका रिदम आ रहा है, जैसे आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो आपको मतलब ऐसा आप मैच खेलते बार सोचते नहीं आपके मतलब आप मतलब 10 के 10 विकेट ले जाओगे या 5 विकेट लोगे, आप ऐसा नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है कि आप मैच टू मैच कैसे चलते हो, तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं मैच टू मैच ही खेलूं, ऐसा नहीं है कि पहले ही सोच लूं कि नहीं मैंने को इतने विकेट लेने ही लेने हैं कुछ, तो मैच बाय मैच आप चलते रहोगे और अपना अगर बेस्ट देते रहोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है ऐसा कुछ। आपको कई बार थोड़ी बहुत आलोचना का भी शिकार होना पड़ा है, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जब आप हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला पर बॉल डालते हैं तो हेल्पफुल कंडीशंस होती हैं, इसीलिए रिजल्ट और प्रोडक्ट भी अच्छा निकलता है, पर अगर आप यही शैली इंडिया से सब कॉन्टिनेंट के बाहर अगर अपनाते हैं तो रिजल्ट वो नहीं निकलता है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को? धर्मशाला में थोड़ी हेल्पफुल तो है ही है, आप मतलब हिमाचल में खेलते हो थोड़ी हेल्प तो मिलती है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीम होता है और बैट्समैन खेल ही नहीं सकता, अगर मैं वहाँ पे विकेट्स लेता हूँ तो मैंने वहाँ पे रन भी काफ़ी बनाए हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि वहाँ के विकेट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रीन है कि आप मतलब बैटिंग बैट्समैन खेल ही नहीं सकते, मतलब वो मुश्किल कंडीशंस फ्रॉम अ बोलर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपने उनको सहा भी है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट की, बड़े स्टेट से अगर हम कंपेयर करें, बड़ी टीम से अगर हम उन्हें कंपेयर करें, तो कितनी अभी कमी आपको लगती है और कहाँ कहाँ काम होना चाहिए? एज ए टीम देखें तो कमी अभी जिस 2-3 साल हमने क्रिकेट खेला है, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है हमने, अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, तो अभी हमारी टीम जो जूनियर्स हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं ऊपर, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं जूनियर्स, जैसे एक एक दो दो करके जो आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो होपफुली हम इस सीज़न या एक दो सीज़न और में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हिमाचल की टीम देगी, मेरे को तो ये उम्मीद है अपने प्लेयर्स के साथ के मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी आने वाले सीजन्स में। आज क्या सिर्फ आईपीएल खेल के आपको वो संतुष्टि मिल जाती है कि चलो मैं भारत के लिए ना भी खेलूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा शुरू से सपना रहा है कि मैं इंडिया, हर क्रिकेटर का सपना रहता है कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करें, मेरा भी यही सपना है कि मैं इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करूं। ऋषि, हमने बहुत बात कर ली बैटिंग की, बॉलिंग की, अब थोड़ी बात करते हैं कि आप एज अ पर्सन
अपनी लाइफ से और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी आपने अभी तक अकॉम्प्लिश किया है वो एक तरफ, बचा क्या है आपके लिए और अकॉम्प्लिश करना? ऐसा तो कुछ खास नहीं है, मेरे को क्रिकेट से काफ़ी प्यार है, तो मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट में ही मैं जितनी ज़्यादा अपना जितना ज़्यादा अपने आप को मतलब क्रिकेट के लिए टाइम दूँ उतना ही मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्रिकेट में ही रहूँ और बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं, बाकी चीज़ें तो फॉलो करेंगी पीछे से। ऐसी कोई शख्सियत है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जिसके करियर को आप अपना एक तरह से आइडियल मानते हैं और उसी को आप फॉलो करना चाहते हैं? जैक कैलिस काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, तो मैं कोशिश चाहता हूं कि मैं उनकी तरह बनूं और बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी उनकी तरह ही परफॉर्मेंस करूं। चलिए ऋषि, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।